डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ आप सारे ठीक और खुशहाल होंगे। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से, जो बहुत ही मेहरबान और निहायत रहम करने वाली ज़ात है, और खुश आमदीद कहते हैं आप सबको पाकिस्तान के मोस्ट ऑथेंटिक एंड रिलायबल फोरम दी कंप्यूटेस्ट सर्विसेज अकेडमी में। स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि ZTPL के इंटरव्यूज़ हो चुके हैं और बल्कि रिजल्ट भी आना स्टार्ट हो गए माशाल्लाह। हमारे स्टूडेंट हैं मोहम्मद एहसन, मुजफ्फरगढ़ से इनका ताल्लुक है। अकेडमी में इनका रोल नंबर C231 था और जनवरी 2024 वाले सेशन में शामिल थे, और माशाल्लाह इन्होंने ZTPL का टेस्ट क्लियर किया, इंटरव्यू देकर आ चुके। और इंटरव्यू उनका कैसा रहा, सुनते हैं इनकी बातें ताकि आपको इंटरव्यू के हवाले से कुछ टिप्स मिल जाएं और नेक्स्ट कभी आपका इंटरव्यू हो तो आपको इससे मदद हासिल हो सके। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद एहसन इम्तियाज, कंपिटेंट सर्विसेज एकेडमी के प्लेटफॉर्म से, जो ZTPL में OG3 पोस्ट के लिए जो इंटरव्यू कंडक्ट हुए थे मैंने उसके लिए क्वालिफाई किया था। तो मैं कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले जो है मैं इंट्रोडक्शन लिया गया था, तो इंट्रोडक्शन मैंने एक प्रॉपर वे में दिया। सबसे पहले मैंने अपनी लास्ट डिग्री बताई, फिर उसके बाद जो उससे पिछली डिग्री बताई, फिर उसके बाद मैंने जो है अपनी इंटर्नशिप जो की थी मैंने पंजाब फूड अथॉरिटी में, तो मैंने उसके डिस्कस किया। देन मैं अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में जो है WHO के साथ उनके सर्वे में भी पार्टिसिपेट किया, तो मैंने उनको भी डिस्कस किया। तो जो पैनल में थे उन्होंने मुझसे सवाल जो है पूछे कि आपने WHO के साथ क्या काम करते थे आप। देन उसके बाद उन्होंने अगला सवाल ये पूछा कि आपको क्या पे करते थे। इसके बाद उन्होंने एक और क्वेश्चन ये पूछा कि आपको कंप्यूटर के बारे में कितना हाउ नो है। इसके बाद जो है उन्होंने मुझसे पूछा कि अगर आप अपने एग्जैक्ट लोकेशन बताएं अपने घर की, मुजफ्फरगढ़ सिटी से कितना दूर आपका घर है। तो इसके बाद जो है उन्होंने मुझसे आप इस बार पूछा कि अगर हम आपको अपॉइंटमेंट कर दें किसी देहाती एरिया में तो क्या आप वहाँ पर एडजस्ट कर सकेंगे। तो ये इस तरह से कुछ है कि तालिब इल्म जो है कभी भी नालायक नहीं होते, लेकिन तालिब इल्म को नालायक किया जाता है। उसकी वजह यह है कि अगर आपको प्रॉपर डायरेक्शन ना मिले और आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते रहें और आपको एक प्रॉपर वे में आप ना करें तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मसला हो सकता है। कंप्यूटर सर्विस अकेडमी ना से अपने स्टूडेंट्स को प्रॉपर तैयारी करवाती है बल्कि एक प्रॉपर गाइडलाइन भी मुहैया करती है। वो अपने कमज़ोर स्टूडेंट्स का हाथ पकड़ कर ये बताती है कि किस डायरेक्शन में आपने मूव करना है। तो दुआ ये है कि अल्लाह ताला सबको कामयाब करे और कॉम्पिटेंस एकेडमी और सर हैदर को अल्लाह ताला दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। स्टे ब्लेस, अल्लाह हाफिज़। ये थे जी एहसन मुजफ्फरगढ़ से, माशाल्लाह इंटरव्यू इनका अच्छा हुआ है। और देखें, मैं यही कहता हूँ स्टूडेंट से कि बेटा जब भी आप इंटरव्यू के अंदर बैठें तो अपनी स्किल्स का तज़किरा ज़रूर करें। जब अपनी स्किल्स आप उनको दिखाते हैं तो आपसे आपकी स्किल्स के अंदर से ही क्वेश्चंस करते हैं। एहसन जो है WHO के साथ एसोसिएट रहे, उसके अलावा यूनिवर्सिटी में भी अपने काफ़ी ज़्यादा जो है काम वहाँ पर करते रहे, तो अपनी स्किल्स का मुजाहरा करें, अपनी स्किल्स को शो करें वहाँ पर, तो उनके ऊपर बात होगी। ऑफकोर्स सिलेक्ट होना ना होना ये रब की मर्ज़ी है, मेरे रब की रज़ा है। वो जिसे चाहे इज़्ज़त दे, जिसे चाहे ज़िल्लत दे, जिसे चाहे वसी रिस्क दे, जिसका चाहे वो रिस्क थोड़ा सा तंग कर दे, ये मेरे रब की मर्ज़ी है, मेरे रब के फ़ैसले हैं। लेकिन आपको एटलीस्ट कोशिश करनी चाहिए, सही डायरेक्शन में निकलना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अकेडमी का न्यू सेशन भी 20 रमज़ान से इंशाल्लाह स्टार्ट हो रहा है, सुपर सेशन। डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको डेमो लेक्चर्स मिल जाएंगे, आपको हमारे स्टूडेंट्स की सक्सेस स्टोरीज़ एंड अदर स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज़ मिल जाएंगे। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।